जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अग्निवीर डिफेंस एकेडमी उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम के रिव्यू हम लगातार आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं, तो अगर आपको कोई और प्रश्न बच्चों से चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम वो प्रश्न स्टूडेंट से पूछें और जानते हैं कि आज के जो पेपर का किस प्रकार का एनालाइज रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या एमपी जीके वापस से आना स्टार्ट हुआ है या नहीं आ रहा है, ये सारे प्रश्न आप लोगों तक हम स्टूडेंट के माध्यम से रखेंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक कट ऑफ वीडियो नहीं देखा है तो कल आपको रात 9 बजे कट ऑफ वीडियो डाला गया था मध्य प्रदेश पुलिस का, वो वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आपको फिजिकल की तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक है, फिजिकल की तैयारी के लिए आप अग्निवीर डिफेंस अकेडमी उज्जैन का चयन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेस्ट फिजिकल दिया जाएगा। 5 से 6 घंटे रेगुलर आपको जो है फिजिकल करवाया जाएगा, सुबह 2-3 घंटे और शाम को 2-3 घंटे रेगुलर बेसिस पर आपको फिजिकल करवाया जाएगा और बेस्ट रिजल्ट आपको फिजिकल में दिया जाएगा। कहाँ से हैं आप? मैं शिवपुरी जिला से। कितने नंबर आए? 51 नंबर था। लैब में कितना आए? आइए 74 बता रहे थे, मैंने सुना 74 नंबर। हाँ। कौन सी लैब में था? मेरा 3 में था। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? अभी 6-7-8 महीने हो गए। 6-7 महीने। और टेस्ट वगैरह लगाए थे आप? हाँ, टेस्ट कोचिंग पर चलते थे ना। कोचिंग पे टेस्ट चलते थे। जैसे कि जीके में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, एक दो बताया आपको? हाँ, जैसे नदियों के बारे में भी आया था और भी क्वेश्चन थे, इतना मतलब ध्यान नहीं है। अच्छा। हाँ, याद नहीं है इतना। और जैसे इसके अगल बगल वाली से लैब का पता है कि हाईएस्ट नंबर कितने थे? नहीं, आसपास के लैब का तो पता नहीं, लेकिन खुद की लैब का इतना पता है कि 74 थे शायद। थैंक यू। कितने नंबर है? 68। आपकी लैब में हाईएस्ट नंबर कितने? पता नहीं, लैब में किसी ने पूछा ही नहीं। पूछा नहीं था। जैसे गणित में कौन कौन से प्रश्न आए थे? एडवांस मैथ्स से 4-5 क्वेश्चन, बाकी अर्थमेटिक्स से थे। जैसे CISI के वो बता रहे हैं 4-5 क्वेश्चन। हाँ, 3-4 क्वेश्चन से थोड़े से डिफिकल्ट थे मैम, बट हाँ थोड़े कैलकुलेटिव थे, बट सिंपल थे। हाँ। और प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस के 1 या 2 सवाल थे बस, ज्यादा नहीं थे, 1 या 2 क्वेश्चन। सिंपलीफिकेशन वगैरह? एक सिंपलीफिकेशन था, एक क्वेश्चन। कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं? मेरे को 6 महीने हुए हैं अभी, सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। हाँ। फिर भी कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। सॉरी, जनरल। अच्छा, जनरल कैटेगरी। देखो, मैं भी पॉसिबल कि आपको फिजिकल के लिए तो जरूर बुलाया जाएगा। हाँ, देखते हैं। ओके, धन्यवाद। नंबर तो बताइए आप। 40 नंबर है। हाईएस्ट पता है कितने थे? हाँ, कितने थे? 64। हाँ, ठीक है। कितने नंबर आए आप? 57। आपकी लैब में कितने थे हाईएस्ट नंबर? कितने थे आप? अब इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने एक लड़की के देखे थे, ओबीसी था, सी से था, उसके थे 72 नंबर। ठीक है, बढ़िया। कैसा आ रहा, मतलब पेपर मॉडरेट आ रहा है या इजी? पैटर्न बढ़िया है, इजी आ रहा है। साइंस वो रीजनिंग और मैथ्स सबसे इजी आ रहा है, और साइंस भी इजी आ रहा है, बट बायो से जाना दे रहे हैं और जीएस तो काफी टफ आ रहा है, तो वो किसी से बनता ही नहीं। अच्छा, जीएस मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि कहां से? नहीं नहीं, उसका कोई फिक्स नहीं है। जैसे साइंस में कुछ क्वेश्चन पता है कि कैसे आए थे? साइंस में क्वेश्चन याद तो किए थे, बट ध्यान नहीं रहा। अच्छा, बट ये है कि दो मतलब इजी आ रहा है, और बायो से थोड़ा क्या प्लांट से जाना पूछ रहे हैं, तो मतलब जाना गहराई में जा रहे हैं, तो उसका मतलब इतना इजी नहीं है कि उसको याद रखा जा सके। क्या कैटेगरी आप? एससी कैटेगरी। 57 नंबर। हाँ। देखो, संभावना है कि आपको फिजिकल के लिए तो बुला सकते हैं, क्योंकि पेपर जिस प्रकार से लेवल बढ़ता जा रहा है। ये तो मुझे पता नहीं है, बुलाएंगे या नहीं। कहाँ से हैं आप? ग्वालियर से। ठीक है, धन्यवाद।